स्नेक एंड लैडर, जिसे हम हिंदी में सात सीढ़ी के नाम से जानते हैं, उसे पौराणिक काल में मोक्ष शपथ के नाम से जाना जाता था। मोक्ष शपथ अर्थात मोक्ष तक जाने वाला रास्ता। इस खेल का नाम मोक्ष शपथ रखने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। हमारे भारत में बच्चों को मोरल और लाइफ लेसन समझाने के लिए बनाया गया था ये खेल। स्नेक सिंबलाइज करता है लस्ट, एंगर, मर्डर, चोरी, जो कि आपको नीचे ले जाता है। वहीं दूसरी ओर लैडर, जो आपको सिंबलाइज करता है फेथ, ह्यूमैनिटी, जो कि आपको गेम में ऊपर लेके जाता है और लाइफ में भी। इस खेल में हम अपने बुरे कर्म को छोड़ते हुए सीढ़ी के द्वारा अपने अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं और खेल के अंत की तरफ पहुंचते हुए यह दृश्य दिखाया गया है कि हमें आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसीलिए इसका नाम मोक्ष शपथ रखा गया है। भारत कई यात्रियों के लिए सपनों की जगह में से एक है और इस बात में कोई रहस्य नहीं, क्योंकि विविध परिदृश्य, रंगीन त्योहार और मसालेदार गरम व्यंजन इस बात का प्रमाण देते हैं। इस वीडियो में बताए जाने वाले पांच ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको आश्चर्यचकित करने के लिए काफी हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल यू दैट वी हैव अ लॉट ऑफ लाइंड अप वीडियोज इन आवर चैनल फॉर प्लेलिस्ट लाइक कॉस्मोलॉजी, फाइनाइट और इनफाइनाइट, आर माइथोलॉजी एक्चुअली ट्रूथोलॉजी, हिस्ट्री जस्ट स्टोरीज और सरमन एंड मेनी मोर विच कैन फुलफिल योर डिजायर ऑफ बींग नॉलेजेबल एंड सेव योर मनी एंड टाइम स्पेंडिंग ऑन रीडिंग एंड चूजिंग द राइट बुक एमंग ट्रिलियंस। सो डू सब्सक्राइब एंड लेट अस हेल्प यू बींग द वाइजेस्ट एमंग बिलियंस। फैक्ट नंबर वन, तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो जब अंग्रेज भारत में आए, उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि यह शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी से है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर टू, There are 3 lakh active masjid in India, more than in other country, including Muslim world. Fact number 3. 1896 तक सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश माना जाता है जो पूरे विश्व में डायमंड सप्लाई करता था। Fact number 4. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, जिसे 25% लोग फॉलो करते हैं पूरे विश्व की पॉपुलेशन के हिसाब से, ये चारों रिलीजन भारत की ही देन है। फैक्ट नंबर 5. 10वीं शताब्दी में बना तिरुपति शहर में विष्णु मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है, रोम या मक्के से भी बड़ा। 3000 के लगभग विजिटर यहां रोज दर्शन के लिए आते हैं और $6 मिलियन हर रोज यहां डोनेट किए जाते हैं।